केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने कांग्रेस के विधायक रावदान सिंह के घर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि ईडी ने रावदान सिंह के 3 ठिकानों पर छापेमारी की है, जिनमें महेंद्रगढ़ शहर में स्थित उनके पुराने आवास, रेवाड़ी रोड स्थित फार्म हाउस के अलावा गुरुग्राम स्थित उनके आवास पर भी छापेमारी की गई है। कांग्रेस नेता के इन 3 ठिकानों पर एक साथ छापा पड़ने से राजनीति जोरों पर है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 से पहले रावदान सिंह के यहां छापेमारी होने से उन्हें बड़ा झटका लगा है। इससे उन्हें चुनाव में नुकसान भी हो सकता है। रावदान सिंह के बेटे के खिलाफ पहले से ही एक केस चल रहा है, हालांकि वह फिलहाल बेल पर बाहर हैं। ईडी को इस छापेमारी में क्या मिला, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन विपक्ष इसे राजनीतिक साजिश का नाम दे रहे हैं। अगर ईडी को इस रेड में कुछ मिलता है तो इससे न सिर्फ कांग्रेस विधायक को नुकसान होगा, बल्कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को भी झटका लग सकता है।